नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ये टेरिस फार्मिंग प्लांट सेटअप है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि बाहर से है ना बैनर से इसको कवर किया गया है। एक तो आप ब्लैक कलर की पॉलीथीन भी इसके जगह यूज कर सकते हैं, जिससे कि बाहर का सनलाइट रूम के अंदर नहीं जाना चाहिए इसलिए, या फिर ऐसा बैनर वगैरह आपके पास तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका रूम कवर हो जाए। तो दोस्तों, ये हमारे एक स्टूडेंट के यहाँ हमने टेरिस पे ऐसा सेटअप बनाया है, तो वो सेटअप आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके से सेटअप किया है। अभी अंदर के साइड में जाके देखते हैं। देखिए अंदर के साइड से है ना जो गनी बैग्स रहते हैं, यानी बोरे रहते हैं, उनका पर्दा बनाया गया है। ठीक है, अभी ये जो ऊपर के साइड से है ना थोड़ा थोड़ा सनलाइट आते हुए आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो भी हम पैक करने वाले हैं, जिससे कि बाहर से कुछ भी सनलाइट अंदर नहीं आएगा और रूम में पूरा अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि बाहर का सनलाइट रूम के अंदर आना नहीं चाहिए, रूम अच्छी तरीके से पैक हो जाना चाहिए, और ये पर्दे भिगोने के बाद में रूम और ठंडा हो जाता है और ठंडक होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके इस बारे में कुछ डाउट्स होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।